सो गाइस रियलमी 12 प्रो प्लस 5G में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, जो कि अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक और अपडेट आ चुका है। तो ऐसे में हम करने वाले हैं कैमरे की टेस्टिंग, भाई सैंपल ले लेंगे फोटोज़ वीडियोज़ के सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के, और देखेंगे क्वालिटी में किस तरह कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। तो अपडेट आपको चेक करा देता हूँ, सेटिंग पर चलते हैं। वाओ डिवाइस, सो अपडेट देख सकते हैं 20 MB का दिखा रहा, काफ़ी छोटा अपडेट है हालांकि, और जो अपडेट की डिटेल है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। सो जो अपडेट है वो है 14.0.0.902 करके, इससे पहले जो अपडेट आया था अभी 0.807 करके था, जो कि हमने कुछ दिन पहले ही किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसके तुरंत बाद यहाँ पर ये अपडेट आ चुका है। और भाई साहब यहाँ से फिर से जो यहाँ पर कैमरे का अपडेट है, इसमें देख रहो ये थर्ड टाइम है जो कैमरे का अपडेट आया, इससे पहले कैमरे का अपडेट आया था, उससे बाद भी फिर कैमरे का अपडेट आया, फिर ये फिर से यहाँ पर कैमरे का अपडेट आया। अच्छा ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि रियलमी में टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो वेट करते रहें महीनों का, तो ऐसे में कैमरे में जो भी इशू चल रहे होते हैं उसको लेकर अपडेट आते रहते हैं। फिर से कैमरे का अपडेट आ चुका है ऑप्टिमाइज़ कैमरा इफेक्ट करके, सिस्टम का ऑप्टिमाइज़ सिस्टम स्टेबिलिटी, बाकी ये तो सिस्टम का तो आखिर अपडेट के साथ आता ही है, बट कैमरे का अपडेट है ये भी 20 MB के समथिंग का दिया है। जो भी कुछ इशू होंगे वो मे बी इस अपडेट में सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैमरे की टेस्टिंग करने वाले हैं, जो कि हम सैंपल ले लेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया यार, देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड, जो कि लेटेस्ट अपडेट था, काफ़ी तगड़ा अपडेट 20 MB का भाई, 14.0.92 ये वर्जन अप टू डेट यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर कैमरे का भी अपडेट है। तो ऐसे में जो यहाँ पर हम अब फटाफट से जो सैंपल कंपेयर कर लेते हैं फोटोज़ वीडियोज़ के सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के, आप लोग भी हाई क्वालिटी में वीडियोज़ को चलाकर देखना और देखना किस तरह कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है क्वालिटी वगैरह में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है, 1080 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट कैमरे के एंगल चेंज कर रहे हैं, जगह खड़े होकर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेम वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह के दिखा रहा है, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही है। अब देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद किस तरह कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की, 1080 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, यहाँ पर हम कैमरे का एंगल जस्ट चेंज कर रहे हैं, बेसिकली स्टेबल होकर एक जगह खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही है, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं आप ओल्ड फुटेज के साथ में किस तरह का कोई आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है वीडियो क्वालिटी में। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की, 1080 30 FPS अल्ट्रा वाइड मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है, तो कलर्स वगैरह कुछ तरह की नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही है। अब देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यहाँ पर जो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, साथ ही आप जो कंपेयर कर सकते हैं फुटेज को जो 1080 60 FPS पर रिकॉर्ड की थी हमने नॉर्मल मोड में, ये अल्ट्रा वाइड मोड में, तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले अल्ट्रा वाइड मोड में। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की, 1080 30 FPS पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम अल्ट्रा वाइड मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ इस तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट करने बाद, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही है, तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, ऐसे में जो आप कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फुटेज के साथ में। सो गाइस ये फुटेज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है, तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है 4K 30 FPS में, जब एक जगह खड़े होकर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे का एंगल चेंज करते हैं, तो कलर्स वगैरह कुछ तरह के नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो ओवरऑल कुछ तरह की नज़र आ रही है। अब देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यहाँ पर जो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर वीडियो क्वालिटी में, जब 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
सो गाइस ये फुटेज जो 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की फुटेज है। ऐसे में जस्ट कैमरे का एंगल यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की, जब 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एज खड़े होकर, तो कलर्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जब हम 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइस ये फुटेज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है, कलर्स वगैरह कुछ तरह के नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही है। ऐसे में जैसे वॉक करते हुए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़ोन हिल डुल रहा है, तो ऐसे में स्टेबलाइजेशन जो कुछ तरह से वर्क कर रहा है। अब देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यहाँ पर किस तरह का कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की 1080 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह के नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही है। ऐसे में हम वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन जो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। ऐसे में आप कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फुटेज के साथ में। सो गाइस फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080 30 FPS में, जो कि अल्ट्रा वाइड मोड में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तैसे में वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह के दिखा रहा है, डिटेल्स वगैरह ओवरऑल जो कुछ तरह की है। ऐसे में वॉक करते हुए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो कुछ तरह का वर्क कर रहा है अल्ट्रा वाइड मोड में। ऐसे में देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा जब हम अल्ट्रा वाइड मोड में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वॉक करते हुए। सो गाइस फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080 30 FPS में, जो कि अल्ट्रा वाइड मोड में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वॉक करते हुए। ऐसे में वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह ओवरऑल सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आ रही। वहीं स्टेबलाइजेशन की बात करें, स्टेबलाइजेशन जो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फोन हिल डुल रहा है, जैसे में वॉक करते हुए वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। ऐसे में आप कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फुटेज के साथ क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है स्टेबलाइजेशन में, या फॉर ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है किस तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अल्ट्रा वाइड मोड में। सो गाइस फिलहाल वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS में, जो कि यहाँ पर हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं फुटेज जो सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की है। जैसे हम वॉक करते हुए जब वीडियो रिकॉर्ड करें 4K में तो स्टेबलाइजेशन जो कुछ तरह का वर्क करता है। कई बार देखा जाता है 4K में जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वॉक करते हुए बेसिकली, तो उसमें स्टेबलाइजेशन ना प्रॉपर देखने को नहीं मिलता। जैसे मैं सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की फुटेज है 4K 30 FPS में, वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह कुछ तरह के नज़र आ रहे हैं और डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह की नज़र आ रही, ओवरऑल यहाँ पर वीडियो क्वालिटी जो कुछ ऐसी है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले। अब देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो 4K में क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो गाइस फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 4K 30 FPS में, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की है। ऐसे में जो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है, क्योंकि 4K में स्टेबलाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता। ऐसे में फिर भी आप जो कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फुटेज के साथ क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है जब वीडियो हम वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली स्टेबलाइजेशन जो किस तरह से आ रहा है, कलर्स वगैरह जो किस तरह की आ रही, बाकी डिटेल्स वगैरह जो किस तरह से आ रही, ओल्ड फुटेज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं क्या डिफरेंस ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की 1080 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रंट कैमरे से। यहाँ पर हम पॉइंट एक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पॉइंट 8x में, बेसिकली वाइड एंगल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह दिखा रहा है, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह दिखा रहा है, तो अभी सामने से लाइट फेस पे पड़ी तो वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की, ऑब्जेक्ट को बेसिकली इस तरह से कैप्चर कर रहा है। वहीं जब लाइट इस डायरेक्शन में आती है, बेसिकली कैमरे की तरफ लाइट आती है, तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यहाँ पर कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो गाइस ये फुटेज सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की है, जो कि 1080 30 FPS 0.8x में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली वाइड एंगल में रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रंट कैमरे से। ऐसे में वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह ओवरऑल कुछ तरह की, ऐसे में आप जो कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फुटेज के साथ, अभी देख सकते हैं लाइट जो पीछे की तरफ से आ रही है तो इस तरह से कैप्चर कर रहा है। वहीं जब लाइट फेस पे पड़ती है, बेसिकली कैमरे से अपोजिट डायरेक्शन से लाइट आती है, तैसे में जो वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की रहती है। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले की 1080 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रंट कैमरे से 1x में, बेसिकली नॉर्मल मोड में। तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की है, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह के दिखा रहा है, डिटेल्स वगैरह जो ओवरऑल कुछ तरह के दिखा रहा है। अभी सामने से फेस पर लाइट पड़ती है तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की, जब हम कैमरे का एंगल लाइट की तरफ कर देते हैं, बेसिकली कैमरे पर लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट को कुछ तरह से जो कैप्चर करता है, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी अभी फिलहाल कुछ इस तरह की है सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले फ्रंट कैमरे से हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइस ये फुटेज है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की फ्रंट कैमरे से, यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080 30 FPS पे, जो कि नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए 1x पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वीडियो क्वालिटी जो कुछ तरह की, कलर्स वगैरह जो कुछ तरह के नज़र आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह जो कुछ तरह नज़र आ रही, अभी फेस पर सामने से लाइट पड़ रही है तो वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की, इसलिए ऑब्जेक्ट को कुछ तरह से जो कैप्चर कर रहा है यहाँ पर। वहीं जब लाइट कैमरे पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट को, पर्सन को इस तरह से ओवरऑल कैप्चर कर रहा है। सो गाइस यहाँ पर आपने देखे सैंपल फोटोज वीडियोस के सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले के, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के, ओवरऑल क्या डिफरेंस आपको नजर आया कैमरे क्वालिटी में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आई पसंद तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।